अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यूअर स्किल में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको एक नए बिज़नेस से मुतारफ कराने वाला हूं जो कि पाकिस्तान में अभी तक किसी ने नहीं किया। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो जब भी कोई नई चीज़ आती है मार्केट के अंदर, अगर ना चले तो एक अलग बात है, अगर वो चल जाए तो फिर वो लाखों करोड़ों में नहीं बिलियंस में वो चीज़ चली जाती है। कई मिसालें मौजूद हैं। YouTube, Facebook ये जो चीज़ें थी ये ज़रूरत के तहत ईजाद की थी, इन्होंने अब ये पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं। इसी तरह कोई भी बिज़नेस छोटा बड़ा नहीं होता। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं या नई चीज़ मार्केट में लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके कि आप उसमें बहुत आगे निकल जाएँ। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमारे साथ साथ ममालिक जो हैं उसमें तो ये बड़े पैमाने पर किया जाता है। वहाँ पर फैक्ट्री मौजूद हैं, करोड़ों रुपये का वो काम करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट भी इसको करते हैं। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अभी तक, मेरी नज़र में मैंने नहीं देखा इसको कोई करता हो इस कारोबार को। यहाँ आज मैं आपको उससे मुतारफ करवाने वाला हूँ। अगर इसको कोई स्टार्ट कर ले तो बहुत मुमकिन है कि वो बहुत आगे निकल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा प्रैक्टिकल करके आपको मैं बताऊँगा, पूरी डिटेल से एक एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आ जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हो, मुमकिन है कोई और करना चाहता हो, किसी और किसी भाई के ये काम आ जाए, ये कारोबार उसकी समझ में आ जाए शायद, तो उसका रोज़गार लग जाए। कच्चे केले की चिप्स, कच्चे केले की चिप्स जो है काफ़ी ममालिक में बनाई जाती है। और इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको पैक कैसे किया जाता, सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। इस केले का जो रेट है, आज मंडी से मैं ये लेके आया हूँ, केले आपको नज़र आ रहे होंगे, तो 450 रुपये 500 रुपये मन कच्चे केले का रेट है। आलू का जबकि रेट है 150 रुपये धड़ी, ये तकरीबन बन जाता है 1200 रुपये मन। आलू का रेट है 1200 रुपये मन और केले का रेट है 450-500 रुपये मन। मैंने कहा पहले आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, कई भाइयों के जहन में अगर आए कि जी आलू तो सस्ता है, केला महंगा होता है, केला आधे रेट में मिल रहा है। बाकी मैं वीडियो में देखते हैं इसको, मैं भी आपके साथ ही हूँ, आपके साथ ही प्रैक्टिकल करूंगा। ये केले हैं, ये सब्ज़ केले आपने बिल्कुल लेने हैं। इसको पहले हम इसके ऊपर तोल लेंगे, उसके बाद छीलूंगा, चिप्स बनाऊंगा, टोटल आपको बताऊंगा कितने केले में से कितना वज़न निकलता है, इसकी पैकिंग कैसे होती है, उसका जो ऊपर पंफलेट होता है वो कैसे आपने तैयार करना है, वो कैसे डालना है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है और ये मार्केट में इसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी, सब डिटेल में आपको बताऊँगा। पहले इसको हम तोल लेते हैं। रेट मैंने आपको केले का बता दिया, सब्ज़ सब्ज़ केले आपने ले लेने हैं। तो ये भी अभी इतने सब्ज़ नहीं है, पर इससे भी ज़्यादा सब्ज़ मिल जाते हैं मार्केट में केले। ये मैं आपको दिखाई दूँ, ये पूरा ये 100 रुपये का मुझे मिला है पूरा, और कुछ इधर भी पड़े हुए हैं नीचे, ये देखें ये भी पड़े हुए हैं, ये सारे केले 100 रुपये के मिले हैं। अभी हम थोड़ा से केले की बनाएंगे। ये 2 किलो केले हमने तोल लिए हैं, ये नज़र आ रहा होगा आपको। अब इसको छील के दोबारा इसका वज़न करूँगा, फिर इसकी जब तलाई करूँगा फिर इसका वज़न करेंगे कि 2 किलो केले में से कितनी चिप्स निकलती है। पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊँगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। ये केले को हम काट लेते हैं, केला काटने के बाद इसको आपने ऐसे छिलका उतार लेना है, और जब आपने बड़े पैमाने पर ये काम करना है तो इसकी छिलका उतारने वाली और केला काटने वाली मशीन मिल जाती है। जैसा कि आपने घास काटने वाली मशीन देखी होगी जिसको टोका मशीन कहते हैं, उसमें ऐसे केला डालते रहते हैं, केले पीछे से वो कटते रहते हैं, आगे इसकी चिप्स बनाता रहता है। आलू काटने वाली भी मशीन आपने देखी होगी, आलू की चिप्स बनाने सेम उसी तरह की मशीन होती है जो केले की भी चिप्स बना देती है। तो हाथ से काटने में ज़रा टाइम लगता है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि आपने इसका बिज़नेस कैसे करना है। आपने बेहतरीन किस्म के जो है इसके पैकेट बनवाने हैं, पंफलेट बनवाने हैं, पैकेटों में इसको पैक करना है। पैक करने के बाद पंफलेट का मैं आपको एक सैंपल दिखा दूं, ये किसी का, जैसा कि ये एक पंफलेट है, इस तरह के आपने पंफलेट बनाने, ये 25 पैसे 50 पैसे का आपको पड़ेगा। पैकेट के अंदर आपने चिप्स डालनी है, चिप्स डाल के ऊपर पंफलेट डाल देना है, अपना एक ब्रांड बनाना है। तो उसके बाद इसके जितने का आपने बनाना है, 25 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम के, या बड़ा पैकेट बनाना है, बना के पैकिंग करने हैं। पैकिंग करके ये आपका बिकेगा बेकरियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, जो करियाना की दुकान होती है उनके ऊपर आपको इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में तो हो सकता है आपको उनके पास जाके एज ए
सेल के ऊपर रखना पड़े कि भाई जब ये बिक जाएगा फिर मुझे पेमेंट दे देना। लोग वहाँ पे आएंगे पहली मरतबा जब देखेंगे बनाना चिप्स पहली कभी उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं होगी। पोटैटो चिप्स तो सारे हर जगह ही मिल जाती है, बनाना चिप्स कहीं नहीं मिलती। नेचुरल सी चीज़ है, बड़ी नेचुरल चीज़ है ये। तो इसके विटामिन्स वगैरह जो भी है इसके अंदर खसूसियात होती हैं वो भी आपने अपने पंफलेट के ऊपर लिख देती हैं। केले के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी जो है ना चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वो सारी खसूसियात आपने उसको बेहतरीन सा पंफलेट बना के पैकिंग करके दुकानों के ऊपर देना। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये चीज़ चलने वाली है। अब इसके बाद अगर आपका एक काम चल जाता है, अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करा के इसको जो है आप दूसरे शहरों में भी सप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान में आप इसको सप्लाई कर सकते हैं, तो आपका एक नाम बन जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक ये किसी ने नहीं किया, तो मैं आपको इसीलिए पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई भाई ये ना कहे यार बातें करने से तो नहीं होता। तो मैं बातें भी कर रहा हूँ और साथ करके भी दिखा रहा हूँ। ये जो 2 किलो केले हमने काटे थे उसको छील लिया हमने, अब इसका वज़न करके मैं आपको बता दूं छीलने के बाद जो है केलों का वज़न कितना निकला है। पहले इसके साथ की प्लेट रख के इसको ज़ीरो कर लेते हैं, ज़ीरो। एक किलो 186 ग्राम, तकरीबन 1200 ग्राम समझ लें आप के 2 किलो में से 1200 ग्राम या 50-50 लगा लें, एवरेज आप रख लें कि अगर 1 किलो चीज़ है तो आधा किलो, 2 किलो चीज़ है तो 1 किलो छीलने के बाद ये बचेंगे, मोटा सा हिसाब है। इसको आपने ऐसे काटना है, बेहतर तो ये है कि जो इस कढ़ाई में आपने फ्राई करना है साथ साथ फेंकते रहे। मैं अभी आपको फ्राई करके भी दिखाता हूँ, ये जिस तरह आलू की चिप्स कटती है ये इस तरह, ये सेम नज़र आ रहा होगा आपको, देखें रोशनी ज़्यादा है। ये तेल गरम हो चुका है जी, अब हम ये चिप्स इसमें डाल देंगे, साथ साथ आप इसको हिलाते रहें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। ये दूसरा पूरा हमने इसमें डाल दिया। मेरे पास जो ये चिप्स काटने वाला कटर था ये ज़रा मोटा काटर है, अगर आपके पास ब्रीक है तो आप ब्रीक काट लें थोड़ी सी। ये आप देखें ये थोड़ी मोटी कटी हुई है, तो इससे फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ब्रीक काटेंगे तो जल्दी फ्राई हो जाएगी। आग को आहिस्ता रखें ताकि जले ना। तो इसको आप घर में मेहमानों को भी ट्राई करवा सकते हैं, मेहमान आए तो एक यूनिक सी डिश हो जाएगी उनके लिए। बिजनेस तो इसका है ही बड़ा ज़बरदस्त। ये जनाब चिप्स हमारी फ्राई हो चुकी है, इसका अब हम वज़न कर लेते हैं। ये प्लेट रख के इसको ज़ीरो कर लिया और ये ज़ीरो हो गया, ये इसके साथ की प्लेट है ये रख दी। और ये साथ साथ हमने चेक भी किया, पकाते हुए लाजवाब टेस्ट है इसका जनाब, और मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इसको अगर कोई ढंग से तैयार करे। मैंने तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए एज ए एक्सपीरियंस बनाई है और फर्स्ट टाइम बनाई है, और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। इसका वज़न आया है जनाब तकरीबन 400 ग्राम, नीचे भी गिर गई है थोड़ी सी, ये 400 ग्राम इसका वज़न आ रहा है। ये देखें अब मैं इसका आपको हिसाब लगा के बताता हूँ। ये एस्टीमेट मैंने इसका निकाल लिया, बहुत ज़्यादा इसमें बचत है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस काम को करना चाहते हैं गूगल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जो प्रोफेशनल तरीके से इसको बनाते हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। मैंने जस्ट आपको ये बिज़नेस बताने के लिए सारा प्रोसेस किया है, तो प्रोफेशनल आप देखेंगे, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप बना लेंगे इसको। अब 500 रुपये मान अगर केला हो तो 1 किलो केला पड़ता है 12.5 रुपये का, 13 रुपये का लगा लें तो इसके ऊपर इतना ही खर्चा लगा लें आप, 12.5 का तो 12.5 ही खर्चा लगा लें ऑयल वगैरह का। 2500 रुपये में आपको 1 किलो केले की जो है चिप्स तैयार होती है। जैसे कि आपने अभी देखा 2 किलो की 400 ग्राम हुई, 1 किलो की 200 ग्राम हो गई। अब 200 ग्राम का अगर 25 ग्राम का
आप पैकेट बनाते हैं तो 8 पैकेट बनेंगे। इसको आप 25 रुपए का सेल करते हैं तो 200 की सेल आती है, खर्चा है 50 रुपए का, सॉरी 25 रुपए का खर्चा। 20 रुपए का सेल करते हैं तो 160 रुपए सेल है, खर्चा वही आपका 25 रुपए। 15 का सेल करते हैं 120 रुपए, खर्चा आपका वही 25 रुपए। बचत आप देखें, 25 का बेचें 150 रुपए किलो में बचते हैं, 20 का बेचें 110 रुपए, 15 का बेचें 70 रुपए बचते हैं, और 10 रुपए का बेचें तो आपको फिर भी 30 रुपए बचते हैं किलो में। तो एक किलो केले की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बचत रेशो इसमें बहुत ज़्यादा है। अब ये आपका टैलेंट है कि आप इसको कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे आप इसको मार्केट में मुतारफ़ कराते हैं, ये अपने अपने टैलेंट की बात है। मार्केट के अंदर जो चिप्स अवेलेबल होती है पैकेटों के अंदर, उनके अंदर अक्सर 20 ग्राम 30 ग्राम ऑलमोस्ट इतना ही वज़न होता है, उनकी प्राइसेस भी आपको पता है क्या होती हैं। ये 25 ग्राम जो मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं है आप 25 ग्राम का ही पैकेट बनाएं, 25 50 100 ग्राम मुख्तलिफ़ वज़न के आप पैकेट बना सकते हैं और उनकी कीमत भी उसी हिसाब से आप तय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि और दुनिया में तो बनती है, तो पाकिस्तान में जब नई चीज़ आएगी इंशाल्लाह जो है ना लोग इसको ज़रूर लाइक करेंगे। बचत रेशो जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।